हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन बात करने वाले हैं कि किन लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है नर्सिंग ऑफिसर्स एग्जाम में या आने वाले नॉर्सेट 5 एग्जाम के अंदर किस लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो देखो, आपने फेलियर से सीखना है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि किन लोगों की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऐसा वो क्या करते हैं कि उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि किन लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो चीजें जो लोग कर रहे हैं आपने नहीं करनी। फेलियर से आपने सीखना है कि ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि फेलियर ही सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको सिखाता है। तो देखो, वीडियो के अंदर तीन फैक्टर मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पूरा वीडियो को देखना आपने। पहला फैक्टर अपन देखते हैं, फर्स्ट फैक्टर के अंदर बात करते हैं कि लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज। तो फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज। लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज किसके रिलेटेड? टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक से रिलेटेड लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज है, या फिर टॉपिक के एक्सटेंट तक। सपोज अगर बात करें, क्वेश्चन के अंदर बात करें, बन की बात अगर हो रही है तो बन का आपको पता होना चाहिए, बन का मैनेजमेंट क्या है, उसका फ्रूट ऑफ चॉइस क्या है, फ्रूट ऑफ चॉइस क्या है, उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, बन के अंदर वाइटस उसके क्या होने वाले हैं, उसका मैनेजमेंट हो गया, फ्रूट ऑफ चॉइस हो गया, साइन एंड सिम्टम हो गए, वाइटस हो गए, उसके अंदर क्या शॉक की कंडीशन होने वाली है, अगर शॉक होता है तो उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि बन का जैसा देखा आपने तो उसका एक्सटेंशन तक आपने दिया, ईच डायमेंशन में आपको उसकी रेलेवेंट नॉलेज है। तो जिन लोगों के अंदर लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज होती है रिगार्डिंग क्वेश्चंस के अंदर जो टॉपिक की बात हो रही है उससे रिलेटेड, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं कि चांसेस ऑफ नेगेटिव मार्किंग क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और कितने परसेंट तक? 30% तक। जो अगर आप अभी भी ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तो चांसेस होते हैं 30% तक क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज आपके टॉपिक से रिलेटेड कम है। तो पहला आपने फिगर करना है कि रेलेवेंट नॉलेज आपने क्या करनी है, टॉपिक से रिलेटेड बढ़ानी है। अगर नहीं होती, दिख रहा है आपके क्वेश्चंस के अंदर कम है, तो चांसेस जो होंगे आपके नेगेटिव मार्किंग 30% बढ़ चुके होंगे। सेकंड फैक्टर देखते हैं, पर बात करते हैं, सेकंड फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर ए ओवर थिंकर। ये सुन के सबको रेलेवेंट लग रहा होगा, इसका मतलब यू आर थिंकिंग टू मच। तो और साथ में क्या हो, यू आर नॉट गेटिंग टू द पॉइंट, यू आर नॉट गेटिंग टू द पॉइंट, मतलब एग्जामिनर जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर आप या तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या फिर जो टॉपिक के अंदर बात आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, या वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे। सपोज अगर एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा है सर्वाइकल कैंसर की, और आप केवल कैंसर से ही रिलेटेड सोच रहे हैं कि कैंसर के क्या टाइप होते हैं, कैंसर के अंदर बिनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है, कैंसर की स्टेजेस क्या होती है, वो बात ही सर्वाइकल कैंसर की कर रहे हैं, बट आप कैंसर के आसपास घूम रहे हैं या यू आर लॉस्ट इन बिटवीन। तो इसके अंदर क्या करना है आपने, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ग्रेटर थिंकिंग क्या होनी चाहिए। सपोज सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहा है तो आपको दिमाग में आता है सर्वाइकल कैंसर पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या होने वाले हैं, उसका किस तरह से मैनेजमेंट होने वाला है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप पहुंच गए, आपकी थिंकिंग इतनी है कि आप पॉइंट पर पहुंच गए, आप सराउंड ही घूमते जा रहे हैं, तो आपके चांसेस और नेगेटिव मार्किंग जो आते हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग टू मच, वो आपके क्या हो जाते हैं, 10% और बढ़ जाते हैं। तो यहां तक आपके चांसेस ऑफ नेगेटिव मार्किंग कितने हो चुके, 40% तक आपके नेगेटिव मार्किंग के चांसेस हो सके, अगर अभी भी आप उस क्वेश्चन पे ट्राई कर रहे हो सॉल्व करने के लिए। तो थर्ड फैक्टर मैं बताता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर यू आर ट्राइंग टू गेट आंसर फ्रॉम दोस टू ऑप्शंस व्हिच वर यू प्रीवियसली सिलेक्टेड एट द बेसिस ऑफ योर इनप्रॉपर इनएडिक्वेट इनकम्प्लीट नॉलेज। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, दो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, आपने दो ऑप्शन सेलेक्ट जो किए हैं उन्हीं में से आप आंसर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। दो ऑप्शन सेलेक्ट किए किसके ऊपर, बेसिस ऑफ योर इनकम्प्लीट नॉलेज या लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज थी, आपकी जो लैक ऑफ रेलेवेंट नॉलेज थी, या दूसरा आपने देखा जिस पॉइंट पे आप जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे नहीं आ पा रहे, सराउंड घूम रहे, तो वो दोनों को मिला के अगर आप ये दो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, चार का अगर आता है तो दो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, वो क्या हो आपकी इनकम्प्लीट नॉलेज के ऊपर, इनकम्प्लीट नॉलेज से सेलेक्ट हुए हैं, जो किससे सेलेक्ट हुआ है, इनकम्प्लीट नॉलेज से सेलेक्ट हुए हैं दो ऑप्शन, तो वहां क्या होता है चांसेस ऑफ नेगेटिव मार्किंग क्या है, इसको बोलते हैं 50-50%, मतलब 50% चांसेस आपके होते हैं कि वो क्वेश्चन ठीक हो जाए, 50% चांसेस होते हैं वो गलत हो जाए। ये डिपेंड किस पे करेगा कि 50% से या
वो सॉल्व होने वाला है, इसका मतलब सॉल्व हो जाएगा तो 100% हो जाएगा, चांसेस गलत हो जाएगा, मतलब देखते हैं कि 50-50% होते हैं, डिपेंड करता है। ये 100% तब हो सकता है जब आपकी रेलिवेंट नॉलेज अच्छी हो, आप टॉपिक टू द पॉइंट आप सोच रहे हो वहां पे, और तीसरा जो थर्ड जो टू ऑप्शन है आपने वो सेलेक्ट किए हैं जो बहुत एक्यूरेट हो बेसिस ऑफ योर रेलिवेंट नॉलेज, बेसिस ऑफ योर क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ अगर आप पहुंच पाते हो तो यहाँ पे, अगर नहीं कर पाते यहाँ भी तो 10% चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला फैक्टर 30% चांसेस बढ़ा देते हैं नेगेटिव के, दूसरा फैक्टर 10% यहाँ तक पहुंच जाते हो, अगर अभी भी ट्राई करो तो यहाँ पे चांसेस आते हैं 50% टोटल, 10% और 30, 10 and 10 50% चांस आते हैं, इसलिए बोलते हैं 50-50%, मतलब टू ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं, उसी में से आपने सेलेक्ट करना होता है क्या है, यहीं पे आपकी नेगेटिव मार्किंग डिपेंड करती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपने क्या करना है, इन तीनों चीजों को देखना है, समझना है कि कैसे लोग हैं जो नेगेटिव मार्किंग जिनकी होती है, ये तीनों फैक्टर मैंने बता दिए, तो इनसे सीखना है आपने, ये चीजें फॉलो नहीं करनी है आपने, रेलेवेंट नॉलेज को आपने बढ़ाना है, क्रिटिकल थिंकिंग को आपने इम्प्रूव करना है, एक्यूरेसी ऑफ सेलेक्टिंग टू ऑप्शन वो आपने इम्प्रूव करना है। तो ये आप कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी नॉर्थ साइड फिफ्थ में, या आने वाले किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स में, सीएसओ एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग आप बिल्कुल जीरो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपने अंदर ला सकते हैं जिससे नेगेटिव आपकी क्या हो, कंट्रोल हो सके या बिल्कुल जीरो हो सके। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, तब तक के लिए बाय बाय।